नमस्कार मित्रों, आज हम आरएसटी बुक के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद राइट साइड में एक बेल का आइकन आ रहा है, उस पर क्लिक करके ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आपको आगे के वीडियो भी मिल सकें। मुझे आशा है कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें अब हम कंप्यूटर पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड, इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स कनेक्ट होते हैं वह मदरबोर्ड से ही होते हैं। इसके बाद प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू या माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होती है। इसके बाद हम रैम की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इससे डेटा टेम्परली सेव होता है। यदि हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हैं एवं उसे जब तक सेव नहीं करते हैं तब तक इसमें वह केस मेमोरी में टेम्परली डेटा सेव रहता है। इसको प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। फिर बात करते हैं अपना हार्ड डिस्क के। हार्ड डिस्क ड्राइव, यदि हम सब कुछ या कुछ भी डेटा सेव करते हैं वह इसी में सेव होता है एवं ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसी में सेव होता है। इसे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर। यदि आउटपुट, यह एक आउटपुट डिवाइस है, हम जो कंप्यूटर में वर्क करते हैं वह इसके द्वारा देख सकते हैं। इसमें जो भी डेटा देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी भी कहते हैं। इसके अलावा जिप डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, सीडी, डीवीडी रोम, कैबिनेट विद एसएमपीएस, कीबोर्ड, माउस, मॉडम, स्पीकर एवं प्रिंटर्स ईटीसी कंप्यूटर पार्ट्स होते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्लासिफिकेशन यानी कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर का वर्गीकरण। इसको हमने दो भागों में बांटा है। पहला है क्लासिफिकेशन बेस ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस यानी आकार, भंडारण क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकरण। इसमें दूसरा भाग है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी पर आधारित वर्गीकरण। मित्रों, जो हमने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस जिसकी बात की है, इसको हमने चार भागों में बांटा है। इसमें सबसे पहला होता है सुपर कंप्यूटर, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसके बाद में सेकंड कंप्यूटर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। फिर उससे लोअर में बात करते हैं तो आता है मिनी या इसको मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके बाद में जो जनरल हम लोग यूज लेते हैं वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को भी चार भागों में बांटा हमने। पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर सभी ने देखा होगा, उसमें सीपीयू होता है नीचे यानी कैबिनेट बोलते हैं उसको, और दूसरा लैपटॉप सभी जानते होंगे, और टैबलेट, लैपटॉप से छोटे आकार में होता है टैबलेट, और जो डिजिटल फोन्स हैं उसको बोलते हैं हम पीडीए यानी स्मार्टफोन्स। पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असेंट्स। मित्रों, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी पर आधारित वर्गीकरण। इसमें कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है एनालॉग कंप्यूटर, उससे अपर बात करते हैं हम डिजिटल कंप्यूटर, और भी अपर जाते हैं तो हाइब्रिड कंप्यूटर। इस प्रकार कंप्यूटर को बांटा गया है। बेसिक बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के बुनियादी लाभ। सबसे पहला लाभ होता है स्पीड। स्पीड अपने ऊपर निर्भर होती है कंप्यूटर की, मीन्स अपन जिस स्पीड से वर्क कर रहे हैं उस स्पीड से काम करता है। जैसे हमने कोई भी ऑप्शन या कोई भी वर्किंग की, उसका आंसर स्पीड से अपन को रिप्लाई में देता है। इसके अलावा जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी दिखाता है, यानी उसमें जैसे सपोज कीजिए एक्सेल, एक्सेल में अपन कोई भी वर्क करते हैं जैसे टोटलिंग या कोई फॉर्मूला यूज लेते हैं, तो उसमें जो भी हम यूज लेंगे उसको एक्यूरेसी के रूप में दिखाएगा। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन होता है हाई स्टोरेज कैपेसिटी यानी उच्च भंडारण क्षमता। इसमें हम बहुत सारा डेटा सेव कर सकते हैं।
दूसरा है वर्साटाइलिटी यानी चंचलता, तीसरा आता है डिलीजेंस यानी परिश्रमशीलता। इस प्रकार कंप्यूटर के बेनिफिट्स हैं। अब हम बात करते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हमने पांच भागों में बांटा है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है प्रोसेस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस और चौथा है स्टोरेज डिवाइस। इसके बाद हम बात करते हैं मल्टी फंक्शन डिवाइस। आप सभी जानते होंगे इनपुट डिवाइस यानी जिससे डेटा इन होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में जैसे हम बात करते हैं माउस, माउस से डेटा इन होता है, मींस माउस से यदि हम कोई भी वर्क कर रहे हैं उसमें हेल्प के लिए यूज लेते हैं। इसके अलावा सेकेंड आता है कीबोर्ड, कीबोर्ड का मतलब होता है टेक्स्ट को इनपुट करना। इसके अलावा माइक, माइक से हम साउंड इन करते हैं। फिर आता है जोस्टिक, जोस्टिक से गेम खेलने के लिए यानी गेम से संबंधित डेटा इन होता है। इसके बाद आता है वेबकैम, वेबकैम से हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, मींस अपन चैटिंग करते हैं तो उसमें वेबकैम का यूज होता है। फिर आता है स्कैनर, स्कैनर से हम कोई भी इमेज स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा MICR, बारकोड रीडर, बायोमेट्रिक, लाइट पेन, OMR, टच स्क्रीन, ये सभी इनपुट डिवाइस है। फिर हम बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस में सबसे पहला आता है CPU, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, यानी इसको दो भागों में बांटा गया है। ALU की फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा है CU, कंट्रोल यूनिट, इसको माइंड ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसके अलावा को प्रोसेसर भी बोलते हैं। दूसरा आता है मदरबोर्ड, जितनी भी कंप्यूटर में डिवाइस जुड़ती है वो जुड़ती है मदरबोर्ड से, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस, जिससे डेटा आउट होता हो, जैसे मॉनिटर, मॉनिटर से डेटा आउट होता है, मॉनिटर से जो डेटा आउट होता है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। इसके अलावा सेकेंड बात करते हैं हम प्रिंटर, प्रिंटर से डेटा आउट होता है जिसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। इसके अलावा हेडफोन, हेडफोन से हम गाने सुनते हैं या ऑडियो आउट करता है, ऐसे ही स्पीकर, स्पीकर भी ऑडियो आउट करता है। प्रोजेक्टर, ये भी एज ए मोटर जैसा वर्क करता है। इसके अलावा फ्लोटर, ये प्रिंटर का ही पार्ट होता है, बड़ा बड़ी प्रिंटिंग निकालनी हो या हाई क्वालिटी प्रिंटिंग निकालनी हो तो फ्लोटर का यूज लेते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिवाइस, जिप ड्राइव, ETC डिवाइसेज होती है। इसके अलावा हम पांचवें भाग की बात करते हैं, उसमें होता है मल्टी फंक्शन डिवाइस, ऐसी डिवाइस जिससे डेटा इन भी होता हो और डेटा आउट भी होता हो, जैसे ऑल इन वन प्रिंटर, इसमें हम स्कैन भी कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। इंटरनेट टेलीफोन, जिससे हम डेटा सेंड भी कर सकते हैं, डेटा इन भी कर सकते हैं, यानी कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग से बातें कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं फैक्स मशीन, फैक्स मशीन से डेटा इन भी होता है और डेटा आउट भी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को हमने दो भागों में बांटा है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी चार भागों में बांटा है, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है डिवाइस ड्राइवर, तीसरा है यूटिलिटी, चौथा है सर्वर। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम बोलते हैं विंडोज, जैसे डोस, यूनिक्स, विंडो 98, विंडो 2000, XP, विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, ETC। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, CUI और GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मींस ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड से ही काम करता हो उसको बोलते हैं हम CUI। जिससे हम ग्राफिक के रूप में काम करते हैं या माउस के हेल्प से जिसमें काम होती है उसे बोलते हैं हम GUI। इसके बाद हम बात करते हैं डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस ड्राइवर में दो डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए जो यूज़ लेते हैं उसको बोलते हैं हम डिवाइस ड्राइवर। ये एज ए सॉफ्टवेयर के रूप में काम करता है, जैसे कंप्यूटर में साउंड नहीं आ रही, साउंड का ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं उसके बाद में साउंड आना शुरू हो जाती है, यानी स्पीकर और कंप्यूटर दोनों को कनेक्टिविटी के लिए, जैसे ग्राफिक के लिए VGA का ड्राइवर,
जैसे नेटवर्किंग के लिए या इंटरनेट के लिए इथरनेट का ड्राइवर। इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटीज। कंप्यूटर हैंग हो रहा है, स्लो चल रहा है, कोई फालतू फाइलें क्रिएट हो गई हैं, इनको हटाने के लिए या कंप्यूटर को सही करने के लिए कुछ हद तक उसमें यूज लेता है यूटिलिटी, जैसे डिस्क डिफार्मेट। इससे डिस्क का स्पेस कम हो गया है, डिस्क का स्पेस बढ़ा सकते हैं, फॉर्मेट फाइल को ये हटाता है। इसके अलावा डिस्क क्लीनअप, अवांछित फाइलों को हटाने के लिए हम यूज लेते हैं डिस्क क्लीनअप। यदि किसी सॉफ्टवेयर को या किसी प्रोग्राम को या किसी फाइल को छोटे करने हो या ग्रुप में करना हो तो कंप्रेस प्रोग्राम का यूज लेते हैं। इसके अलावा चौथा आता है सर्वर। सर्वर का मतलब होता है कोई भी यूजर के द्वारा जो प्रोग्राम रन करना है उसके परमिशन देना या नहीं देना। ऐसे एक और होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम होता है मशीनी भाषा को अपनी भाषा में यानी इंग्लिश भाषा में कन्वर्ट करना या इंग्लिश भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी हमने दो भागों में बांटा है, पहला बेसिक, दूसरा स्पेशलाइज। बेसिक जिसमें टेक्स्ट का ज़्यादा यूज होता हो, ग्राफिक का यूज नहीं के बराबर होता हो, जैसे लोटस, एमएस वर्ड, एक्सेल, टेली, ईटीसी। स्पेशलाइज्ड में जैसे कोलड्रा, गेम्स, वीडियो एडिटिंग, इलस्ट्रेटर, ईटीसी। इस प्रकार हमने आपसे फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात की है। और आपको इसके बारे में कुछ देखना हो तो हमारी साइट है ssitjaipur.com या ssit.qsfind.com, इसमें जाकर भी देख सकते हैं। अगले चैप्टर के लिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जैसे ही हम अगला चैप्टर YouTube पे डालेंगे तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।